जी बोलिए। हाँ मैं आजी मलंग में रहती हूँ सर। उधर है ना सब तोड़फाड़ हो रहा है, उधर पता चला मुझे। हाँ सब घर तोड़ रहे हैं, हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी उधर हम लोग रहते हैं। कितने साल से आप लोग रहते हो उधर? अभी तो मेरा उधर पैदाइशी उधर का है। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र शायद मेरी उम्र समझो 54 चल रहा है। 54 यानी आपकी पैदाइशी वहीं की है? हाँ वहीं की है मेरी पैदाइशी। तो यानी कम से कम 60-70 साल पुराना है और ज्यादा? नहीं मेरे अब्बा के अब्बा भी उधर ही रहते थे। जी जी मेरे हमारे दादाजी। अरे तीन पीढ़ी वहाँ रह रही है? हाँ रह रही। अभी उन लोग है ना दुकान तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। प्लीज आप हमारा जो ये आवाज है ना उद्धव ठाकरे सर के तक का ये पहुंचा दीजिए। हम लोग गरीब लोग किधर जाएंगे? हम लोग का ना कोई जायदाद है ना कोई है, वो एक दुकान है और एक घर है, उससे ही हम लोग का घर दार पूरा चलता है। अगर उन लोग निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग को दूसरा दरवाजा कहाँ? तो अभी थोड़ा सा आप कहाँ हो? अभी वहीं हो? हाँ मैं वहीं हूँ। नहीं अभी आप हाजी मलंग में हो? कहाँ हो? नहीं मेरा भाई हाजी मलंग में है। क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, क्या प्रोविजन क्या है? वो क्या बोल रहे हैं, इधर तो पूरा वो साइड का टूट गया है, हाजी मलंग के साइड का। कौन से साइड का? कौन सा साइड जरा आप बताएंगे? मतलब वो अशोक मलंग से? हाँ हाँ वो जो अप्सरा होटल है ना, अप्सरा होटल। हाँ हाँ वो साइड का पूरा टूट गया है। अप्सरा होटल भी तोड़ दिए? हाँ तोड़ दिए करके सुनी हूँ मैं। अप्सरा होटल तोड़े है और उसके नीचे जितने भी घर है ना सब तोड़ दिए किनारे किनारे पर। अब ये सुल्तान शाह नगरी तक का आए नहीं है, नहीं आए है। तो अभी हम लोग क्या करें सर? हम लोग को वही है, हम लोग का सब गुजारा उधर सब कुछ। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी भाई और तीन बहन लोग का शादी नहीं हुआ है। तो कितने परिवार है उधर? बहुत सारे परिवार है? बहुत परिवार है सर, बहुत परिवार है। और वहाँ पर वो जी अभी मेरी माँ को चलने भी नहीं आता, हम हर बार दवा खाने। वो कहाँ पर है? वो भी आजी मलंग में ही है सर। तो बात हुई अभी आपकी उनकी? नहीं अभी तक का नहीं हुआ। क्यों बोलेगा? तो फोन लग ही नहीं रहा है, सबका नेटवर्क ही काट दिए है। तो कोई नोटिस वगैरह दिए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? पहले एक बार नोटिस दिए थे, इन लोग सब पहाड़ वाले मिलकर वहाँ गए थे। और मेन बोलेगा ना वहाँ के जो दरगाह के ट्रस्टी है वो आला की वकील भी है। कौन? वहाँ के जो ट्रस्टी है जो वहाँ के दरगाह के। हाँ, नाम क्या? हाँ, वो नहीं मेरे को तो नाम नहीं मालूम। ठीक है। हाँ तो वो तो वहाँ के ट्रस्टी है, अभी हम लोग उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जिधर वो जैसा करेंगे हम लोग को वैसा ही चलना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह हम लोग लेटर भी दिए हैं, अभी तक उसके वहाँ से हम लोग को कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस तरह से तो जब इसका कोई जवाब वाब दिए थे क्या उन्होंने कि ऐसा है? नहीं ना जवाब भी हम लोग ने दिए है, हर जगह है ना हम लोग ने लेटर दिए है, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। अभी शायद दूसरा नोटिस भी आ गया है, अभी तीसरा भी शायद ये आज का शायद तीसरा नोटिस हो सकता है। तो अच्छा आप इतने सालों में कभी किसी ने तोड़ने की बात नहीं की? नहीं नहीं हम लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही है, कमाओ खाओ वही चल रहा है और कुछ नहीं है। वहाँ के जितने भी आजू बाजू के जो खेड़े गाँव के जो गरीब लोग हैं उन लोग को साल भर यही रोजी रोटी मिलता है। जैसा कि अभी मैं समझो दाल मंगाई, फसलेट मंगाई बम्बनवाड़ी से या कुछ भी मंगाई, तो वहाँ के जो रहीवासी लोग हैं वो लोग हमको उधर पहाड़ पे पहुँचा देते हैं घासलेट से लेके। उनकी रोजी रोटी इसी चलती है? हाँ इसी चलती है, वो पहाड़ से नीचे ऊपर करते हैं और वो सामान ला के देते हैं। हाँ यहाँ तक का दुकान का जो पाव हो गया, भाजी हो गया, सब्जी हो गया, सब उनको उन लोग ही डाला कर देते हैं। तो उनका ही घर तोड़ दिए? उनका भी घर तोड़ दिए? नहीं ना, नहीं उन लोग नीचे रहते हैं। अच्छा नीचे रहते हैं? हाँ 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 उन लोग आजू बाजू गाँव में छोटे छोटे खेड़े गाँव में रहते हैं, उन लोग ये काम करते हैं रोज उनसे। मतलब इनका कैसा है हमेशा कांटेक्ट उनके साथ रहता है। उनको उन लोग फोन कर देंगे ना, मामा हमचा तेल आले है आणि डाळ आले ती घेऊन या बोलले, तर उन लोग सीधा ऊपर लाकर पहुंचा देते घर तक का। जी 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 जी। तो अभी उनका रोजी रोटी भी निकल गया ना। अभी समझो दाल अभी 190 है। मैं समझ गया, वो आपसे वो लोग एक्स्ट्रा पैसा लेके ऊपर लेके आते हैं। हाँ, तो उनका पूरा रोजी रोटी इधर से ही चलता है, आप लोग के घरों से जो चलता है वो चलता है बराबर। हाँ, 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 बस बस हमारे उससे ही चलता है। समझो अभी समझो हम किधर गए नीचे, पर हमारा जो भी सामान है जैसा बैग वगैरह है उन लोग उठा कर लाते हैं। एक बैग का उन लोग लेते हैं 150-300 वजन के हिसाब से लेकर। जो होटल है क्या नाम बोला आपने होटल का? अप्सरा होटल। तो अप्सरा होटल से लेके वो सीढ़ी तक भी तोड़ सारी दुकानें तोड़ दी मुझे भी खबर है। मतलब
अप्सरा से लेकर दरगाह तक तोड़े हैं, अभी ये साइड और आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। अभी हम लोग का थोड़ा नीचे नीचे तरफ है। अभी देखो सर, हम तो सुबह से दुआ करते बैठे हैं, सब जन जितने भी है सब जन खाली दुआ के भरोसे। तो आप सीएम सिंधे साहब को क्यों नहीं गुहार लगा रहे? उद्धव ठाकरे को क्यों गुहार लगा रहे? क्या बोलिए? आप उद्धव ठाकरे को क्यों बोल रहे हो? सीएम तो सिंधे साहब है ना। है, लेकिन अभी क्या करने का, अभी वो अभी शिंदे सर रेखे भी उन्होंने पहाड़ पे जाकर उन्होंने नारा लगाए कि जैसा कि ये दरगाह है हम मंदिर बनाकर रहेंगे। जब उन्होंने बोल दिए है तुम मस्जिद मंदिर कर रहे हो, लेकिन गरीब तो मर रहे हैं ना। तुम लोग मस्जिद मंदिर के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो बरोबर, लेकिन तीसरा कौन है? हम गरीब, वहाँ के रहवासी, वहाँ के गरीब लोग, आजू बाजू खेड़े गाँव वाले लोग, उन लोग तो साल भर भूखा मर जाते हैं। उन लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं? नहीं, उन लोग नहीं देखते हैं। खाली अगर नीचे से बोल देगा ना फलाना घर पे पहुंचाना है, हाँ ठीक है भाई करके लाकर सीधा पहुंचा देते हैं। उन लोग को मालूम है ना किसका घर किधर है, उन लोग लाकर पहुंचा देते हैं। जैसा बॉम्बे में तैसा सिलेंडर में जब चिट्ठी में आ जाता है ये नाम, तो लोग बरोबर लाकर पहुंचा देते हैं ना सिलेंडर। बराबर वैसा उनका नाम, उनको सबको पता है इनका ये नाम है, इनका ये नाम है, बस खाली इतना बोल दिए फलाना घर पे ये सामान पहुंचा दीजिए, तो लोग पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलो मैं भी और देखो वहाँ से वीडियो अगर कुछ आवे तो आप बताइए। मैंने बहुत लोग से कोशिश की बात करने के लिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। आपने बोला, आपने हिम्मत दिखाई, आपने बोला, क्योंकि आप पे जुल्म हो रहा आपने बोला, तो ये मैं आवाज जो है पहुंचाता हूँ सब जगह। ओके सर, थैंक यू। आप